गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स नाउ लेट स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर टू वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल टू बिगेदर और दिस चैप्टर इज रिटर्न बाय जॉर्डन कुक एंड एलन इस्ट सो थोड़ी बहुत हम समर इसके अंदर देख लेते हैं कि एक पर्सन है जो अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहा है मैं यहाँ पे नाम नहीं बोलूँगी नाम हम जब चैप्टर पढ़ेंगे तब आएगा पे एक इंसान की कहानी है, है, है शिप है, है, बनाना बहुत अच्छा लगता है उसको एक समंदर उसको एक मतलब क्या ना वर्ल्ड टूर करनी है हमारे किसी किसी के सपने होते हैं हमें वर्ल्ड टूर करनी है तो इसको समंदर के रास्ते पूरा वर्ल्ड घूमना है <coughs> तो ऐसे में वो अपना जो भी अर्निंग होता है पूरे उसकी एज थर्टी फाइव से फोर्टी के बीच में बताई हुई है तो उसका जो भी पूरा अर्निंग होता है वो जितना भी अपने बिजनेस में से कमाता है जो भी करता है वो सब वो एक अच्छी सी बड़ी सी शिप बना बनाने में इन्वेस्ट करता है और वो एक समंदर के सफ़र में निकलता है वो उसकी फैमिली के साथ और दो सर्वेंट या कैप्टन जो भी हो दो, दो बंदों को अपने साथ ले लेता है तो लेट्स स्टार्ट द लेसन इन जुलाई 1976 माय वाइफ मैरी सन जोनाथन सिक्स डॉटर सुजैन सेवन ये जो है सिक्स और सेवन उनकी एज बताई हुई है तो कब की बात है 1976 जुलाई में वो अपनी वाइफ जोनाथन उसका जो सन है और जो डॉटर है सुजैन जोनाथन है सिक्स ईयर का सुजैन है सेवन ईयर की उनके साथ वो ये जर्नी पे निकलते हैं एंड आई सेट सेल फ्रॉम प्ले माउथ इंग्लैंड टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वैग मेड टूर टू हंड्रेड इयर्स अर्लियर बाई कैप्टन जेम्स कुक फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैरी एंड आई अ थर्टी सेवन ईयर ओल्ड बिजनेस मैन हैड ड्रीम्ड ऑफ सेलिंग इन द वैग ऑफ द फेमस एक्सप्लोर एंड फॉर द पास्ट सिक्सटीन ईयर्स वी हैड स्पेंड ऑल आवर एज दस टाइम हॉनिंग अवर सफेरिंग स्केल्स इन ब्रिटिश वाटर्स अब वो क्या बोल रहा है कि उसकी एज अराउंड से, थर्टी सेवन ईयर्स है और थर्टी सेवन ईयर और जो भी सिक्सटीन ईयर के आसपास जब से उसने कमाना स्टार्ट किया है जो अर्निंग है पूरा उसका जो स्पेयर टाइम है उसने किसके अंदर इन्वेस्ट किया है पूरा एक शिप बनाने में सेलिंग उसका एक सपना है ड्रीम टू तो सेलिंग है ना समंदर अपन अपने बोलते ना वो दरिया खेड़ू लाइक दैट तो वो सेलर उसको सेलिंग करना है समंदर में उसके लिए पूरी उसने अपनी लाइफ जो है वो स्पेंड कर दी है इसके अंदर और किसके जैसे कैप्टन जेम्स कुक की तरह उसको भी यहाँ पे जर्नी करती है शायद यहाँ पे जेम्स कुक ने टू हंड्रेड दो सौ साल पहले कुछ समंदर मतलब शिप के थ्रू एक वर्ल्ड का पूरा चक्कर लगाया ऐसा यहाँ पे बताया अब वो सही है या नहीं वो नहीं पता बट जैसे हमारी आ, कथाएं हैं वैसे उनकी भी हैं अब वेव वॉकर अ ट्वेंटी थ्री मीटर अब जो उसने शिप बनाई वो उस अब उसका एक्सप्लेनेशन है तो वो कैसी थी तो उसका नाम क्या था वेव वॉकर मतलब लहरों पर चलने वाली और उसकी जो साइज थी वो क्या थी ये आपको याद रखना है हो सके तो अंडरलाइन भी कर लो अब अब बोट वे वो कर ट्वेंटी थ्री मीटर थर्टी टन वुडन होल्ड ब्यूटी हैली बिल्ड एंड वी हैड स्पेंड मंथ फिटिंग इट आउट एंड टेस्टिंग इट इन देश टू weather वी we could फाइन तो अब ये जो है ये आप थोड़ा अंडरलाइन कर लो ये तीन लाइन की कैसी थी ट्वेंटी थ्री मीटर लंबी थर्टी मीटर और जो था थर्टी टन उसका वजन कितना था थर्टी टन और वो कितनी लंबी थी ट्वेंटी थ्री मीटर उसका नाम क्या था वे वॉकर इतनी ब्यूटीफुल बनाई थी उन्होंने द फर्स्ट लेग ऑफ अवर प्लांट थ्री ईयर्स थ्री ईयर वन लैक फाइव थाउजेंड किलोमीटर्स जर्नी पास प्रेजेंटली एज वी सेल डाउन द वेस्ट कॉस्ट ऑफ अफ्रीका टू कैपटाउन तो उन्होंने अपनी जब जर्नी स्टार्ट करी तो ऐसा डिसाइड करते कि अभी पहले तीन साल में यहाँ से यहाँ जाएंगे इतने किलोमीटर्स होंगे ये होगा तो अपनी जर्नी जो है वो अफ्रीका आपने शायद नाम सुना हो मूवी में भी केप टाउन नाम कभी सुना हो तो अफ्रीका केप टाउन जो है वहाँ से ये लोग अपनी जर्नी करना स्टार्ट करते हैं वहाँ पर फिर एक्चुअली उनकी रियल जर्नी जो स्टार्ट है अब वहीं से ही स्टार्ट होती है देयर बिफोर हेनिंग ईस्ट वी टुक ऑन टू क्रू मैन मैंने बोला ना कि दो सर्वेंट ले लो कैप्टन ले लो जो भी ले लो एक दो क्रू मैन को उनको लेना था उनकी फैमिली थी बट साथ में कोई ना कोई तो चाहिए रहता है ना जो थोड़ा बहुत जानकार हो शिप का देखो यहाँ पे आ, इतना नहीं है बट जब उनकी जर्नी स्टार्ट होती है वो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि वो कैसे वो जर्नी को सर्वाइव करते हैं उसमें से कैसे बाहर निकलते हैं सब कुछ अमेरिकन लैरी विगिल एंड स्वीज हर्ब सेगलर टू हेल्प अर्स टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड रफेस्ट सीज़ द साउथन इंडियन ओशन जो साउथन इंडियन ओशन है उसको रफेस्ट सीज़ कहा जाता है तो वहाँ से वहाँ वो जो है हमारी हेल्प करेंगे इसको ये जर्नी में हमारी जो अभी देखो ये एक चीज़ आप समझ लो ये जर्नी जो है नाइनटीन सेवेंटी सिक्स की बताई हुई है हमें ओके तो सोचो कि तब जो फैसिलिटीज़ है इतनी सारी फैसिलिटीज़ भी नहीं होंगी ओके वुड के उसने बोला कि वुडन उसने पूरा लकड़ी का जहाज़ बनाया हुआ है तो ये चीज़ भी हमें देखनी है और मतलब जब समंदर में हम जो किनारे से देखते उतना नहीं होता कि समंदर बहुत गहरा और बहुत लंबा है ठीक है उसके लिए एक हिम्मत एक साहस की ज़रूरत एक करेज की ज़रूरत है तो ये लोग जब निकलते तो उनको पता है तो उनको दो पर्सन भी चाहिए रहेंगे उनको पता है कि, कि शायद कोई नक्शा वक्शा मुझे नहीं पता वैसे तो ये जो इंसान ये जो बंदा है जिसने अपनी पूरी लाइफ सिर्फ यही सपना देखा है कि उसको समंदर में सेलिंग सेलर एज अ सेलर जाना है उसको ठीक है और वर्ल्ड में पूरा उसको वर्ल्ड घूमना है बट कहीं ना कहीं उसे कोई मिस्टेक या कुछ हो जाए तो कोई तो हो जो ध्यान रखे उसकी फैमिली भी तो साथ है ठीक है ऑन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन वी बिगेन टू एनकाउंटर स्ट्रांग गेल्स फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स द continuously. Gales did not worry me, but the size of the waves was alarming, up to 50 meters, as high as our main mast. मास्ट मतलब जो आपने कभी शिप देखी हो तो जो बीच में वो खंभा नहीं होता बड़ा सा उसको मास्ट कहते हैं तो यहाँ पे आ, क्या हुआ कि उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी तो थोड़ी बहुत लहरें आ रही थी तो वो तो ऑब्वियसली समंदर में रहती है क्योंकि समंदर में कभी भी हवाएं चलती है कभी भी तूफान उठता है उसका कुछ कह नहीं सकते अपने बवंडर भी आता है तो स्टार्टिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई बट आफ्टर सम टाइम क्या हुआ कि जो लहरें थी वो कितनी फिफ्टीन मीटर्स पंद्रह मीटर जितनी अब उनकी जो शिप थी वो ही 23 मीटर की थी तो अब सोचो फिफ्टीन मीटर की लहरें मतलब कितना डर लगता होगा और समंदर जब तक जमीन दिखती तब तक हमें डर नहीं लगता जब जमीन दिखनी बंद हो जाती है ना तब हमें डर लगना शुरू होता है और वो जो मेन मास था उसको छू के ऐसे पंद्रह मीटर आ रही थी दिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी फिफ्थ फाउंड हाँ ओके पच्चीस दिसंबर की बात है ये फाउंड अस थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ केप टाउन डिस्पाइट एंट्रोशियस वेदर we had a wonderful holiday complete with a Christmas tree, New Year's day. so, so no improvement in the weather. but we reasoned that it had to change soon and it did change for the वर्स अब 25 दिसंबर वो निकले थे जिस टाइम पे तो आते आते 25 दिसंबर उनके टाइम निकल गया अब उन्होंने शिप पे ही जो है क्रिसमस मनाया वो ट्री लगाया और एन्जॉय किया उनको ऐसा था कि भाई धीरे धीरे जो वेदर है वो ठीक हो जाएगा बट ये तो ठीक होने की वजह और और बिगड़ता चला गया एट डॉन एट डॉन ऑन जनुअरी सेकंड द वेवेर गैग्नेटिक वी वेर सेलिंग विथ ओनली अ स्मॉल स्टॉम जीब एंड वे स्टिल मेकिंग एट नोट्स माई गॉड अब उनका हाल बहुत खराब होने लगा सेकंड जून आ गई और हुआ ये कि जो वेव्स थी वो बहुत जी मतलब कहते हैं ना कि टच होने लगी पूरा एंड वे वेस्टेल मेकिंग एट नोट्स एट द शीप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव वी कुड सी एंड लेस एनॉर्मस सीज रोलिंग टू अस एंड द विंड एंड स्प्रे वॉज पेनफुल टू दू स्लो दोट डाउन अब यहाँ पे क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि जीभ जो मास्ट है जीभ भाई ये जो आ, कहते हैं ना कि सर्ट वो वाइट आपको पता हो कि वाइट कपड़ा लगाते वो लोग शिप में है ना तो एक्चुअली क्या होता है वो जो सेलर होता है जो कैप्टन होता है उसको ही पता होता है हम ज्यादा मतलब समझ नहीं पाते उसके अंदर बट क्या कहते हैं कि जिस तरह से विन जहाँ पे पवन जा रहा है है ना हवा जा रही है उस इस, उस हिसाब से हमें शिप को एडजस्ट करना पड़ता है और वो कैप्टन या जो सेलर होते हैं प्रोफेशनल वही कर पाते हैं तो कहते हैं ना कि वो आठ आठ या मतलब बारह लगाई वो जितने भी उन्होंने जो और फिर आपको आपने कभी देखा हो शिप में कि वो रस्सी से बांधते हैं तो पूरा सेट करना पड़ता है तो उन्होंने वो पूरा करना स्टार्ट कर दिया जो जीभ है मास्ट है जो खंभे होते हैं जो रस्सियाँ हैं उन सब को वो जो वाइट कलर का कपड़ा है उसको सेट करना स्टार्ट किया क्योंकि तूफान बहुत था वेदर है वो बिगड़ता ही जा रहा था उनको ऐसा था कि वो अच्छा हो जाएगा बट नहीं हो रहा था तो उस हिसाब से वो जो है सब कुछ सेट कर रहे थे अपने हिसाब से कि भाई चलो कुछ ना कुछ करके हम लोग ये जो समंदर में जो तूफान उससे अपने बच जाए निकल जाए और हवा इतनी आ रही थी कि उनके आ, इतनी ज़ोर से आ रही थी कि ईयर्स उनका जो कान है वहाँ से छू के वो नहीं कभी आ, आपने सुना हो कि हवा की सन करती ऐसी आवाज़ निकलती है पास होती है जब हमारे कान से तो हम सुन पाते हैं उसको तो ऐसी आवाज़ को और समंदर में तो ऑब्वियसली कितनी ज़ोर ज़ोर से आएगी कान तक फट जाए ऐसी आवाज आती है टू स्लो द बोट डाउन वी ड्रॉप द स्टॉम जीप एंड लैश अ हैवी मोरिंग रोप इन अ लूप अक्रॉस द स्टेन देन वी डबल लेस्ट एवरी थिंग वेंट थ्रू अवर लाइफ राफ्ट ड्रिल अटैच लाइफ लाइन स्टोन ऑयल स्की एंड लाइफ जैकेट्स एंड वेटेड और अब हमें लगा कि लगता नहीं कि ये जो कहते हैं ना कि ये जो वेदर है वो ठीक होगा या फिर तूफान थमेगा तो उन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए जैकेट वैकेट पहनना होता है और जो भी उनकी सेफ्टी करनी होती है वो पूरी करना स्टार्ट कर दिया था और वेट करने लगे थमने का द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर केम एट अबाउट सिक्स पी एम विथ साइलेंस द विंड ड्रॉप एंड द स्का इमिजिएटली ग्री डार्क और एकदम से छः बजे के आसपास जैसे कुछ सब कुछ जैसे शांत सा लगा वो कहते हैं ना तूफान के पहले की शांति वैसे तूफान तो चालू ही था बट एक उनको ऐसा था कि भाई अब थोड़ी देर के बाद थम जाएगा बट उन्होंने क्या देखा कि बड़ा सा सामने सा दिखा उनको कि कुछ आ रहा है मतलब बड़ा सा आप एक इमेज करो है ना अपने टाइटेनिक मूवी देखी है तो उसमें कैसा था उनको कैसे पता नहीं चलता एकदम से सामने से वो पहाड़ आ जाता है तो उनको इनको ऐसा लगा कि मे बी सामने से कुछ आ रहा है और उनको ऐसा लगा कि शायद कोई क्लाउड होगा देन केम अ ग्रोइंग रॉर एंड एन एनॉर्मस क्लाउड टू वर्ड्स ऑफ टेन द शेप तो उनको लगा एक क्लाउड है मैं निकल जाऊँगा कोई बात नहीं बट उनके शिप पे आके और उन्होंने नज़दीक देखा जो काला काला क्लाउड एक काला बादल था ब्लैक क्लाउड और जो उनके शिप पे आके वो गरजा है जो वहाँ पे फटा है वो पानी पानी पूरा इतना बड़ा क्लाउड और वो कैसे बचेंगे फिर मतलब समझो कि अपने तो गए विथ हॉरर आई रियलाइज्ड दैट इट वॉज नॉट अ क्लाउड बट अ वेव लाइक नो आई हैड ई वन सीन और जब सही में देखो कि लास्ट तक था ऐसा कि क्लाउड है फटा मतलब समझ लो एक तरीके से इमेज करो इसको समझ लो कि ये ऊपर क्लाउड है क्लाउड है लगे और फिर नज़दीक आने के बाद समझ में आए कि इट इज अ वेव और कितनी बड़ी कि उसकी शिप ट्वेंटी थ्री मीटर थी उससे भी ज्यादा पूरी शिप की जितनी बड़ी वेव सामने आ रही है लास्ट तक उनको लगा कि ये क्या है वेव है ओके अरे सॉरी क्लाउड है बट जब नजदीक आता है तो क्या होता है वो वो वेव अब सोचो समंदर में कितनी बड़ी बड़ी वेव्स जो है वो आ रही होगी जो इतनी ऊपर उठती है कि लगती है कि वो क्लाउड है बट आ वेव लाइक नो वदर आई है सीन कब भी मैंने दे नहीं देखी ऐसी बड़ी वेव को इट अपियर परफेक्टली वर्टिकल एंड ऑलमोस्ट वाइज द हाइट ऑफ द अधर वेवस विथ अ फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट और स मतलब जो वेवस नॉर्मल होती उससे भी कई ज़्यादा डबल बड़ी और उसने उसने जो है हमारा जो वो बीच का जो वो मेन कहते हैं ना खंभा रहता है जिसके ऊपर पूरा जहाज टिका होता है उसने उसको डैमेज कर दिया द रॉर इंक्रीज टू अ थंडर एट द स् मूव अप द फेस ऑफ द वेव एंड फॉर अ मूमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट बट धैन अ ट्रेमेंडियस एक्सप्लोजन शुक The deck, a torrent of green and white water broke over the shape. My head smashed into the wheel, and I was aware of flying overboard and sinking below the waves. I accepted my approaching death, and as I was losing consciousness, I felt quite peaceful. Ab, wo bol rahe ki, अपने ऊपर आई रही तो क्या करेंगे अब वो पड़ी उसने वो जो है पूरा बीच का जो कंबर रहता है वो उसको डैमेज कर दिया शिप को डैमेज कर दिया पूरी शिप में पानी पानी और पूरा आ, कहते ना और हवा तो इतनी जोर से चल रही थी और वो पूरी वेव हम पे ही आई तो पूरे मेरे सिर पे तो मुझे मैं भी पता नहीं कहाँ पे गिरा अनकॉन्शियस हो गया मैं मेरी कॉन्शियसनेस खो दी और पूरा शीप इधर से उधर अब सोच लो कि ये टाइटैनिक वाली शीप है वो डूबने जा रही है ठीक है तो वो उनके सिर वो जो है वो पूरा लहरों की तरह जो शिप है लहरों से इस तरफ और उस तरफ गई और वो जो है पूरा लहरों के साथ गिर के क्या हुआ उनका सिर जो है वो टकराया और ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया उनके सिर में से वो पूरा अपना ध्यान जो है वो खो बैठे